अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका यासिर सर, केमिस्ट्री ट्यूटर। हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 7 में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। मैंने आपको बताया था दैट एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए दो चीज़ें होती है, दो तरीके होते हैं। जब भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो प्यारे बच्चों, तो उसके क्या है, एक्सचेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है हीट की फॉर्म में और दूसरा तरीका जो होता है वो वर्क की फॉर्म में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आज आप सुन लो, दैट हीट जो है, हीट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पर मैं इस टर्म को लिखता हूँ, डिसऑर्डर्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है, जब आप एक सिस्टम को हीट देते हो ना, तो उसकी मॉलिक्यूल्स जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो उनमें रैंडमनेस आ जाती है, यानी कि वहाँ पे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट। दैट्स वाई हम कहते हैं दैट हीट इज़ बेसिकली अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट सो फार एज वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्डर्ड फॉर्म। इस बात को ध्यान में रखें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ बिखरी हुई चीज़ें होगी और आपको बताया जाएगा इस पर काम करके इनको आराम से जो है ऑर्डर में रखिए, तो आज से आप ये दो टर्म्स याद रखेंगे, दैट हीट इज़ अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज़ एन ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वर्क के बारे में भी हमने जो है इंट्रोडक्शन जो था और फाइनल जो कुछ कंक्लूजन्स थे वो हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्क से ही रिलेटेड होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हम सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको याद होगा, पिछले वीडियो लेक्चर नंबर में जो लेक्चर नंबर 7 था, हमने उसमें वर्क की एक फॉर्मूला निकाली थी, दैट वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ PdV। ये बात अगर आपको याद है, माइनस PdV, ऐसे सबको क्लियर हुआ। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टार डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि अगर आपको याद होगा हमने पहले dW निकाला था, तो dW किसके बराबर निकला था, हमें वो निकला था, हालांकि मैंने वहाँ पे P एक्सटर्नल लिया था। तो अब आपको P एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे P लिख सकते हो, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने आपको कहा था सिंस पी एक्सटर्नल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या पहले हमने ऐसे लिखा था माइनस पी ऑफ dV, ठीक है ना। फिर पी कॉन्स्टेंट रहता था, उसको हमने बाहर निकाला था ऐसे, दैट dW इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस पी इंटीग्रल ऑफ dV। याद है आपको, बेसिकली यहाँ पे W आया था, dW नहीं आया था, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो W में चेंज होगा। तो आप ऐसे लिखो, फिर आपने लिमिट्स लिए फ्रॉम V1 टू V2, अगर आपको याद होगा, देन आपने किया था दैट W इज इक्वल टू माइनस पी। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रल और डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स जाएंगे फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है ना। तो उसके बाद वो होता है बराबर दैट इज V2 माइनस V1, या आपने लिखा था V फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको फिर आपने लिखा था इज इक्वल टू माइनस पी, और इसके बजाय आपने टर्म यूज की थी डेल्टा, ठीक है ना। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया था, लेकिन कहने का मतलब क्या है, मेन इक्वेशन जो है ना वो ये, यहाँ से ही आप सारा जो है वो खेल सीखते हो। तो मैंने वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी, दैट द वर्क डन ईदर बाय द गैस और द वर्क डन ऑन द गैस दैट इज गिवन बाय द जनरल एक्सप्रेशन। और वो जो एक्सप्रेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो ये है, दैट W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P इंटू डेल्टा वी माइनस, हालांकि वो फॉर्मूला में आया था इसलिए मैंने वो बाहर कर दिया पहले ही। अब यहाँ पे एक केस सुन लीजिए, देखिए केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ। अगर प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है। आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम जो है प्यारे बच्चों वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब है डेल्टा वी जो वहां पे आएगा वो जीरो आएगा। तो बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन जब डेल्टा वी ही जीरो है, इसका मतलब है उसका डी वी जीरो होगा,
यहाँ पे बेसिकली डेल्टा वी और डी वी क्या बताता है, इट्स अ चेंज इन वॉल्यूम. व्हेन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स डी वी इज इक्वल टू जीरो. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो आप अगर आप फॉर्मूला में डालोगे तो देयर फोर उस टाइम वर्क डन कितना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी वी. तो वो कितना है बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल इंटू पी इंटू डेल्टा वी किसके बराबर है, वो तो जीरो के बराबर है. तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग दैट इज इक्वल टू जीरो. व्हाट आई वांट टू से इज दैट दैट टाइम वर्क डन विल बी इक्वलेंट टू जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो वर्क डन कब जीरो आता है, व्हेन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक. व्हेन द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन इज कॉन्स्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग, नीदर एक्सपेंशन नॉर कंप्रेशन, मतलब दोनों में से कुछ हो ही नहीं रहा है, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है. तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया एक्सपेंशन के केस में वर्क डन सिस्टम करेगा और पिस्टन मूव करेगा आप, और कंप्रेशन के केस में पिस्टन मूव डाउन करता है. दोनों के केस में पिस्टन जब अपनी पोजिशन चेंज करता है तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है. लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पर वर्क डन जीरो होगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरी बात, ये तो पहला हो गया. पहला केस अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है. अरे यहाँ पे आ जाओ, मान लो प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक नहीं है, वो आइसोबारिक. अब आइसोबारिक क्या होता है, आइसोबारिक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्यारे बच्चों प्रेशर का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहता है. प्रेशर का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है. जब प्रेशर का वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा यानी कि वो चेंज नहीं होगा. चलिए अब इस इक्वेशन में आए वर्क डन, जरा बताइए उसमें वर्क डन क्या होगा. मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी वी. अब सिंस पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, वो बाहर जाएगा. तो किसके बराबर लिखोगे आप, दैट विल बी माइनस पी को बाहर निकालोगे एंड इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी या डी वी. ठीक है ना, if you take the proper limits from v1 to v2 या v initial to v final, तो what will be work done, sir work done will be equivalent to minus p. तो d and integral sign cancel हो जाएगा, तो वहाँ पे जो volume का जो limits आपको देने पड़ेंगे that will be from v1 to v2. ऐसे ही करते हो ना integration. प्यारे बच्चों आपने सीखा होगा, ये basics है, मैथमेटिक्स बच्चों ने भी ये चीज़ें सीखी होगी, और जो वैसे मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको तो फिजिक्स पढ़ना ही होता है. तो ये हमेशा करना पड़ता है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब देखिए, तो W किसके बराबर आएगा उस टाइम, W आएगा बराबर माइनस P. अब देखिए, ये होगा वॉल्यूम का लिमिट जो है, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, तो दैट विल बी ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स V2 माइनस V1. अब देखिए, तो वो किसके बराबर है, that means that is equal to minus p, this is final volume minus initial volume, और वो हम लिखते हैं p into delta v. अब p external ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने p लिखा general. ये equation मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये equation हमने discuss की है previous video lecture में. तो इसका मतलब ये हुआ that अगर आपका process isochoric है उस time volume change नहीं होगा, work done हमेशा zero आएगा. लेकिन अगर आपका प्रोसेस हो रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उस टाइम वर्क डन की एक्सप्रेशन जो होती है वो होता है W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, सिंपली. ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ पे, ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अब आज का टॉपिक जो है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में, अगर हमने वर्क डन डिस्कस की नॉट एट आइसोकोरिक, नॉट इन आइसोबारिक, बट प्यारे बच्चों इन आइसोथर्मल केस. अब इस बात पर ध्यान दें, यानी कि टेम्परेचर जो है, मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए मैं यहां पे हेडिंग लिखता हूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल. यानी कि एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, मैंने आपको पढ़ाया है रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है. आइसोथर्मल का क्या मतलब है, आइसोथर्मल का मतलब है दैट वहां पे
आइसोथर्मल का मतलब है प्यारे बच्चों दैट वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी जीरो आएगा बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अब इसमें क्या आएगा, या तो एक्सपेंशन आएगा जाहिर सी बात है, या तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, दोनों में से तो एक आना है ना। वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ऑब्वियसली हम गैसेस की बात करते हैं। अब इस चीज को समझिए, सिंस मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं दैट अगर आपको याद होगा मैं यहां पे बनाता हूं, दैट मैंने आपको कहा मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस है और वो सिलेंडर जो है दैट इज फिटेड विद सम पिस्टन, ठीक है ना, उसमें एक पिस्टन है, तो ये मान लो वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब देखिए और इसमें क्या रखा है प्यारे बच्चों, आपने गैस रखा है। देखिए अब यहाँ पे आपने, मैंने क्या कहा था, आप इस वेट पे छोटे छोटे, इस पिस्टन पे छोटे छोटे वेट्स रखो, अगर आपको याद होगा। फिर मैंने क्या कहा था, बिकॉज हम रिवर्सिबल केस डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर देन व्हाट आई टोल्ड यू दैट आप एक्सपेंशन करो या कॉन्ट्रैक्शन करो। मान लो हम एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन के केस में हम क्या करते थे, एक्सपेंशन के केस में हम एक एक वेट जो वो हटाते थे, याद है आपको, उसकी वजह से छोटा छोटा एक्सपेंशन होता था, वॉल्यूम इंक्रीज होता था, फिर से एक वेट हटाते थे ऊपर से, प्रेशर कम होता था ऊपर से, नीचे से प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा आता था, फिर से एक्सपेंशन होता था, फिर से छोटा वॉल्यूम इंक्रीज होता था, फिर से इक्विलिब्रियम आता था। यानी कि आप देखोगे जब आप रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करते हो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, आइसोथर्मल तो आपको बताता है दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपका प्रेशर भी वेरिएबल होता है, उस टाइम आपका प्रेशर भी वेरिएबल होता है और वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है, उस टाइम आपके दोनों वेरिएबल्स होते हैं। बात फिर से समझो, जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि आपने गैस सिलेंडर में लिया, मैं फिर से कह रहा हूं, आप उसको रिवर्सिबली या तो कंप्रेस कर रहे हो या तो एक्सपेंड कर रहे हो, हर स्टेप पे आप देखते हो प्रेशर का चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है फिर वॉल्यूम फिर से चेंज हो रहा है, फिर से इक्विलिब्रियम आता है, फिर से प्रेशर चेंज होता है, बिकॉज जितना जितना प्यारे बच्चों आप ऊपर से मान लो एक्सपेंशन के केस में वेट हटाओगे उतना उतना प्रेशर धीरे धीरे एक एक स्टेप में कम होता जाएगा और वॉल्यूम का उतना ही आप देखोगे चेंज, यानी कि वेरिएबल प्रेशर भी है वेरिएबल वॉल्यूम भी है। बट यहाँ पे आप टेम्परेचर क्या रखोगे, टेम्परेचर यहाँ पे रखोगे आप कॉन्स्टेंट, जो ही आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखोगे तो आप कहते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। सबको समझ आया, जब डेल्टा टी जीरो है तो ऑटोमेटिकली कंडीशन बन गई आइसोथर्मल। अब मैंने अभी आपको बताया ये एक्सपेंशन भी कर सकते हो, मान लो वेट हटाने का बजाय आप थोड़ा और वेट डालोगे, ठीक है ना, तो वो कंट्रैक्शन ऑफ गैस बन जाएगा। तो उसके केस में हमने क्या करना है, हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है, वर्क डन सीखना हमने, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन जो वर्क डन की होगी वो यही होगी। लेकिन सिंस यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम तो है ही, तो प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, तो हम उसके केस में क्या करेंगे, वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आपको याद है तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमें कहती है दैट पी वी जो होता है वो बराबर होता है एन आर टी के, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए सिंस प्रेशर वेरिएबल है वहां पे, तो बताइए मुझे पी का वैल्यू कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सर पी का वैल्यू आएगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, बिकॉज हमें टेम्परेचर टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है वर्क डन में, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ये प्रेशर का वैल्यू आप इस इक्वेशन में यूज करोगे, इफ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट दिस इज इक्वेशन सेकंड, यूज द वैल्यू ऑफ प्रेशर विच नाउ बिकम्स अ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा मुझे बताओ वर्क डन क्या आएगा, मैं लिखूंगा W, therefore W इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ बताओ P के बजाय क्या लिखोगे, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी। अब यहां पे एक बात सुनिए, जो आपने गैस लिया किसमें, इस सिलेंडर में जो कि मैंने ऊपर बनाया, यहां पे टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है ही, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल जो गैस के लेंगे वो भी कॉन्स्टेंट लेंगे, आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो कहने का मतलब क्या, टी तो कॉन्स्टेंट ही है, जो भी इसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कॉन्स्टेंट लेंगे, गैस का अमाउंट फिर आप चेंज नहीं करेंगे, और इसका जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर है वो तो कॉन्स्टेंट है ही, इसमें तो कोई शक है नहीं।
समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड अमाउंट पहले ही दिया, r इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट, टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द वर्क डन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, दैट ऑल्सो रिमेंस कांस्टेंट। जरा इनको बाहर निकालिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस, निकलेगा क्या बाहर, एन भी निकलेगा बाहर, आर भी निकलेगा बाहर, टी भी निकलेगा बाहर। जरा अंदर बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? तो अगर आप प्रॉपर इसमें लिमिट्स देंगे तो अब वो वॉल्यूम वी वन टू वी टू हो जाएगा, वो बाद में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए नाउ वर्क डन दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं, देखिए ये याद रखना है आपको, जिसको पता नहीं है वो हमेशा के लिए याद रखेगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, सपोज वन ओवर एक्स डी एक्स की, अगर हमें ऐसे कोई इंटीग्रल फॉर्म है वन डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन हमेशा बराबर होती है लिन ऑफ एक्स। लिन ऑफ एक्स का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है। आप ये टर्म ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। तो इंटीग्रेशन जब भी इस फॉर्म का होता है ना, वो नेचुरल लॉग एक्स के बराबर होता है, जिसको लॉग टू द बेस ई कहते हैं हम। नेचुरल लॉग होता है लॉग टू द बेस एक्सपोनेंशियल, और एक्स तो है ही वेरिएबल वहां पे। जरा मुझे बताओ यहाँ पे क्या मैं इस फॉर्म को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, वन ओवर एक्स डी एक्स के बजाय है वन ओवर वी डी वी। तो बताइए उसको मैं टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, तो ये मैं लिखूंगा पहले माइनस एन आर टी। अब देखिए बताओ इसके बजाय क्या लिखोगे, वन ओवर वी डी वी, अगर वन ओवर एक्स डी एक्स होता तो दैट इज नेचुरल लॉग एक्स, तो यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी दैट विल बी नेचुरल लॉग, दैट इसको ऐसे लिखते हैं लिन ऑफ वी लिखते हैं उसको, लिन ऑफ वी। मगर यहाँ पे एक बात याद रखनी है, सिंस यहाँ पे अगर लिमिट्स है फ्रॉम वी वन टू वी टू या वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो यहाँ पे भी लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम वी वन टू वी टू प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आ गई, सर क्या हमें पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमें ये पता है, क्या पता है, दैट अगर कोई है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, तो वो होता है बराबर लॉग ऑफ, देखिए पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए जरा ये किसके बराबर होगा, सर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी। अब देखो ये फाइव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, ये होगा नेचुरल लॉग वी टू माइनस नेचुरल लॉग वी वन, ऐसे आएगा। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा वो, आपको पता है दैट नेचुरल लॉग वी टू माइनस नेचुरल लॉग वी वन जो है वो होता है बराबर इंटू लॉग ऑफ, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। इस बात को समझिए, अगर आपका होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, अगर लॉग ए डिवाइडेड बाई बी होगा वो होता है बराबर लॉग ए माइनस बी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है बराबर लॉग ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ पे लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन है ऑफकोर्स नेचुरल लॉग, तो दैट विल बी नेचुरल लॉग वी टू डिवाइड बाई वी वन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वैसे, इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, माइनस एन आर टी लिन ऑफ मीनस नेचुरल लॉग ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। इस बात को ध्यान में रखिए। अब एक और बात सुनिए, वो बात क्या है, वो ये है दैट जब भी आप नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 चेंज करते हो, तो हमें उसके लिए मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ता है 2.303 से। मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, चेक कीजिए, मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, देखो W इज इक्वल टू माइनस एन इंटू आर इंटू टी, उसके बाद क्या है नेचुरल लॉग ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। यहाँ पे ध्यान दिया, फिलहाल ये एक्सप्रेशन आ गई आपके सामने, बट अगर आप नेचुरल लॉग चेंज करना चाहो लॉग टू द बेस 10, उसका क्या मतलब है वो मैं यहां पे लिखूंगा। देखिए उसका क्या मतलब है, अगर आपके पास
अगर आपके पास ऐसे इनकी नेचुरल लॉग जो होता है ना, लिन जिसको आप कहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिन से, लिन, एलन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग टू द बेस ई। इसको लॉग टू द बेस एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप log to the base e को चेंज करोगे log to the base 10, तो हमें उसके लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो इम्प्लाई करना पड़ता है, दैट इज 2.303, ये खुद ही चेंज होगा टू द log to the base 10। इस बात को हमेशा के लिए याद रखो। इसको कहते हैं log to the base 10, इसको कहते हैं log to the base e, वही होता है बराबर नेचुरल log। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिन है, दैट इज नेचुरल log। अगर मैं नेचुरल log के बजाय log to the base 10 करूंगा, तो एक तो वहां पे log to the base 10 आएगा और ऊपर से मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 2.303 से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, उसके बाद लेन को चेंज करो तो उसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log, वो खुद ही आएगा टू द बेस 10, यहाँ पे v1 है मैं ऊपर लिखता हूँ, और उसके बाद आएगा सीधे ही v2 डिवाइडेड बाई v1। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। तो 2.303 बीच में लिखो या पहले लिखो, एक ही बात है। तो मैं ऊपर आता हूँ इस इक्वेशन पे, देयरफॉर द वर्क डन की जो एक्सप्रेशन बनेगी फॉर द गैस विच इज अंडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन, इधर फॉर द एक्सपेंशन और फॉर द कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन कंट्रैक्शन में आपको खाली वॉल्यूम का वैल्यू देना है। अगर एक्सपेंशन है तो V2 ग्रेटर देन होगा V1 से, अगर कंट्रैक्शन है तो V2 लेस देन V1 होगा। वो तो मैंने आपको सिखाया है। तो बताइए देयरफॉर नेट एक्सप्रेशन क्या बनती है? तो नेट एक्सप्रेशन जो वर्क डन की बनती है फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन, दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस, पहले मैं आप लिखूंगा 2.303, उसके बाद क्या है, एन आर टी log of course to the base 10 है, v final minus v initial, ये दिखे, देखिए यहां पे आप। तो what is v2? it's a final volume, मैं यहां पे लिखूंगा v2 क्या है, यहां पे ये final volume है, ये final volume है। what is v1? ये है initial volume, ये है initial volume प्यारे बच्चों। R is a gas constant, T is a temperature in Kelvin, N is the number of moles and 2.303 will be the constant. ठीक है, सबको समझ आया? So what is this? यहाँ पे मैं सितारा डाल देता हूँ। बहुत important question है और हर साल, मतलब इस पे तो question पूछे ही जाएंगे आपसे, वो तो कोई tension ही नहीं है। तो this equation represents the work done in case of a reversible isothermal condition of a gas. Now condition can be case can be either expansion case, अगर case expansion है तो बताओ उस time क्या होगा। expansion के case में gas expand करेगा तो final volume v2 होगा, वो तो ज्यादा होगा than v1 से। तो expansion के case में v2 जो होगा वो greater than होगा v1 से, जाहिर सी बात है। तो जब v2 greater than v1 से होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा, ये सारा वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा। log तो उसका मतलब है दैट टाइम log जो टू द बेस 10 है v2 डिवाइडेड बाय v1 का वैल्यू भी क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव को सामने से जो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो उस टाइम वर्क डन जो निकलेगा आपका वो नेगेटिव ही निकलेगा। वो तो है ही, जब एक्सपेंशन होता है तब वर्क गैस करता है, उस टाइम जो है वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, जरा मुझे बताओ कंप्रेशन के केस में क्या होगा। अगर कंप्रेशन होता, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस सेकंड क्या है, अनदर केस क्या है सर, अगर कंप्रेशन है, अगर क्या है प्यारे बच्चों, कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वी फाइनल जो होगा कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस टाइम v2 जो आएगा वो लेस देन आएगा v1, उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि log ऑफ 10 v2 डिवाइडेड बाय v1, बिकॉज अब v1 ज्यादा है ना, v2 क्या है कम, तो उस टाइम ये वैल्यू प्यारे बच्चों नेगेटिव में आता है। ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, और उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो उस टाइम वर्क डन जो आपका साइन आएगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। उस टाइम
सिस्टम पे वर्क किया जाएगा। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वर्क डन इज ऑन द गैस। एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क डन इज बाय द गैस। तो व्हेन द वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क का साइन नेगेटिव आता है। व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस, दैट इज कंप्रेशन, दैट मींस पॉजिटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सपेंशन के केस में भी वैलिड है, ये कंप्रेशन के केस में भी वैलिड है। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अ वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल ईदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अब मैं एक और छोटा सा पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, वो क्या है वो ये देखिए। अब आपको पता है फ्रॉम बॉयल्स लॉ, आपने पढ़ा है दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2, याद है आपको, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर P1V1 इज इक्वल टू P2V2। کسمہ اتھ مز پرابلم سارنی چھا یار واریاہ اصل شُر واریاہ اصل شُر تل حظ مے ون یتہ اگر مے یتہ چھ V2/V1 تل حظ V2/V1 ہیکا بہ لکھ دیو برابر دیکھو P1 یہاں پہ ہے P2 کو میں اس سائیڈ لے جاؤں گا تو یہ تو اس کو ڈیوائیڈ ہو جائے گا از ایکول ٹو وہاں سے کیا بچا V2/V1 کو اس سائیڈ لے جاؤں تو وہ V1 بن گیا اب دیکھو V2/V1 کس کے برابر ہے P1/P2 ذرا یہ ویلیو یہاں پہ سب چھوڑ کر V2/V1 के बजाय P1/P2 लिखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक और फॉर्म जो वर्क डन की है वो होगी W = क्या आएगा -2.303 nRT log of वो आएगा P1/P2। तो आपको ऐसे भी अगर प्रेशर ही दिया गया है तो आप उस टाइम भी वर्क डन निकाल सकते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया वर्क का कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया, लेकिन हमने आज पढ़ा वर्क डन इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैस। और उसके लिए जनरल फॉर्मूला जो है वो ये है, ये इक्वेशन आज से आपको हमेशा याद रखनी है, द W = -2.303 nRT log of final volume divided by initial volume। तो प्रेशर के केस में इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। फिर से कह रहा हूं मैं, इक्वेशन मेमोराइज ही कर लो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log of final volume माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जरूरी नहीं लिखा मैंने V2/V1 लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V2/V1 के बजाय, प्यारे बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 v, मैं लिखूंगा final minus v initial। अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे उससे, यहाँ पे v2 final है और v1 initial volume है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हो गया isothermal condition but reversible process में। देखिए अगर यहाँ पे reversible के बजाय irreversible है, छोटा सा चेंज, अगर reversible के बजाय क्या है प्यारे बच्चों, सर इररिवर्सिबल अगर है तो क्या कहानी होगी, देखो क्या कहानी होगी, कुछ नहीं चेंज करना, आपने ऑलरेडी वो चीज सीखी, ये वाला इरेज करेंगे, अब ये वाला चाहिए नहीं हमें। देखिए सर उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा, आइए फिर से पहली एक्सप्रेशन पे, जब आपने कहा इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल में क्या होता है, देखो इररिवर्सिबल में क्या होता है, इररिवर्सिबल में गैस एक्सपेंड तो रिवर्सिबली करता नहीं है, ठीक है ना। उस टाइम आपने पिस्टन ले लिया, कंप्रेशन पढ़ रहे हो या एक्सपेंशन पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से, या तो बाहर वाला प्रेशर या तो अंदर वाला प्रेशर जो है या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, डिपेंड करेगा आप एक्सपेंशन कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, मान लो आप एक्सपेंशन कर रहे हो, अंदर जो है मान लो पी ड्यू टू गैस, दैट इज पी गैस, और बाहर जो है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से, उसको हम कहेंगे पी एक्सटर्नल। अब यहाँ पे रिवर्स कंडीशन नहीं आएगी तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल जो रहता है इन केस ऑफ इररिवर्सिबल कंडीशन वो वैल्यू कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है हर सेटअप पे या पहले से ही इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे पी गैस क्या होगा वो ग्रेटर होगा देन पी एक्सटर्नल से। किस केस में, जब आप एक्सपेंशन केस पढ़ते हो तो उस टाइम यहाँ से ही प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ग्रेटर होगा तो वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। रिवर्सिबल कंडीशन कहीं पे नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम कहीं पे नहीं आएगा, एक ही टाइम पे ये इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ जाएगा और लास्ट में वहीं पर रुकेगा, यानी कि वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जब वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया तो वहां पे खाली वेरिएबल जो है वो वॉल्यूम होगा। तो इरिवर्सिबल केस में
प्रेशर जो है यानी कि पी एक्सटर्नल बिकॉज उसी की अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखोगे जो कि गैस का है, वो वहां पर वेरिएबल है बिकॉज वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे समझ आई? टेम्परेचर तो ऑलरेडी आपने कॉन्स्टेंट रखा है यानी कि डेल्टा टी आपको जीरो हो जाएगा, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? अब आपको वर्क डन निकालना है, वो तो इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, तो दैट विल बी वर्क डन इन इरिवर्सिबल। ये सिस्टम मैंने बनाया आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी और कंट्रैक्शन के केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उस टाइम क्या होगा वर्क डन, देखो क्या होगा उस टाइम वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या है, मैं पहले लिखूंगा माइनस इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डेल्टा वी। लेकिन सिंस पी जो है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या हो रहा है, पी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, और उस टाइम वो क्या रह रहा है, वो तो कॉन्स्टेंट रह रहा है। जब वो कॉन्स्टेंट रह रहा है तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट का होता नहीं है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का नहीं होता है, बाहर आएगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी बाहर आया, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, वो dV की होगी, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू सपोज V2, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो किसके बराबर हो गया सर, वो होगा माइनस पी, तो दिस एंड दिस कैंसल, तो वॉल्यूम का जो लिमिट हो जाएगा वो होगा फ्रॉम अपर लिमिट V2 टू लोअर लिमिट V1, तो किसके बराबर हुआ, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस पी, तो दे दो इसको लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट विल बी V2 माइनस V1, तो किसके बराबर हुआ, माइनस पी, वी टू माइनस वी वन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी। जरा ये बताओ ये कौन सी एक्सप्रेशन है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी, क्या ये वही वाली एक्सप्रेशन नहीं है, क्या ये वही वाली एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज द सेम एक्सप्रेशन, मैं आप लिखता हूँ, इट इज द सेम एक्सप्रेशन जो आपने किस में निकाली थी, जो आपने निकाली थी आइसोबारिक प्रोसेस में, याद कीजिए। तो अगर आपको इरिवर्सिबल केस में वर्क डन निकालना है तो उस टाइम सिंपली आप इक्वेशन यूज करेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, प्रेशर जो भी है कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज आपको वर्क डन निकालेगी। लेकिन अगर आपको वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल कंडीशन में, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और हाँ एक्सपेंशन के केस में डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्सपेंशन के केस में, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको, डेल्टा वी बिकॉज फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है वो पॉजिटिव आएगा, उसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में फाइनल वॉल्यूम कम होता है तो उस टाइम आपका डेल्टा वी जो है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव उस टाइम वर्क डन पॉजिटिव निकलेगा। सो वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस, नेगेटिव पॉजिटिव, वो मैंने आपको सिखाया। तो कहने का मतलब ये है अगर आपको इरिवर्सिबल कंडीशन में आपको वर्क डन निकालना है तो सिंपली आप करेंगे इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी इनटू डेल्टा वी, डेल्टा वी का वैल्यू दे देंगे आपको वर्क डन निकलेगा। लेकिन अगर आपने निकालना है वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैस, उस टाइम वो वाली इक्वेशन यूज करोगे W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को थोड़ा आगे बढ़ाया और हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन जो है वो निकाल ली। और मैंने पहले ही कहा दैट इसकी जो एक्सप्रेशन थी ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम वर्क डन आपको निकालना सिखाएंगे ग्राफ से, यानी कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है तो ग्राफ कैसा आएगा और ग्राफ से आपको कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका ग्राफ्स के रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। प्यारे बच्चों आप मेहनत करते रहे और हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम आपके लिए हम सेहतियाब रहे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 9 में, टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।